सबका एक क्वेश्चन, क्लॉटिंग नॉर्मल है या नहीं? क्या पीरियड के वक्त क्लॉट का आना डेंजर हो सकता है या फिर क्लॉट का आना नॉर्मल होता है? जी हाँ, कई लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज आप खुद समझ सकती हैं। आपका क्लॉट आना क्या बता रहा, क्या संकेत दे रहा है, वो कैसे, चलिए जानते हैं। बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए, पीरियड के वक्त पे अगर आपको ब्लड के जो धक्के आते हैं उसे हम क्लॉटिंग कहते हैं, और वो धक्के अगर पीरियड के टाइम पे थोड़े थोड़े आते हैं, मतलब वो नॉर्मली पीरियड में ब्लड के धक्के आते हैं, पर वो नॉर्मल कभी मतलब 4-5 दिन के पीरियड में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आ गया, साइज छोटी आई या थोड़ी बड़ी आई, नॉर्मल है। पर जिसको पीरियड के टाइम पे 5 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रहा, और वो जो क्लॉटिंग होता है, जो खून के धक्के होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं और बड़े साइज के होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी क्लॉटिंग हो रही है। और क्लॉटिंग अगर नॉर्मल में हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत हो रही है, तो वो नॉर्मल है। पर अगर क्लॉटिंग ऐसी हो रही है जो बड़े बड़े खून के धक्के हैं और वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्लॉटिंग डेंजर्स है। तो अगर आप भी क्लॉटिंग की समस्या से डील कर रहे हैं, तो आज ही आप सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। राधे।